पोजीशन सही हो, जरा डिस्टर्ब ना हो। और ये दो स्टार ओपनर लाहौर के अहमद शहजाद और उनके साथ कामरान अकमल। अहमद शहजाद ये लाहौर की टीम जिसमें कई स्टार हैं, नासिर जमशेद आज मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, मोहम्मद हफीज, इमामुल हक, उमर अकमल और कामरान अकमल के अलावा साद नसीम, एजाज चीमा, इमरान अली ये दो पेसर हैं, आफ्ताब अहमद ये लेफ्ट आर्म सीमर हैं और उनके साथ मुस्तफ़ा इकबाल ये अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, बिलाल शाह और फर्रुख बड़े जारहाना ओपनिंग बैट्समैन, आसिफ अली, पुरम शहजाद, मिसबाउल हक, इनके अलावा अली शान। ये आज बड़ी तब्दीली है विकेट के बाद, नया खिलाया फैसलाबाद की टीम ने, सलमान की जगह पर सदाकत, असद अली और समीउल्लाह न्याजी ये तीसरे पेसर होंगे। मोहम्मद अलाम वो टेस्ट ओडीआई टीम से ड्रॉप हो चुके जहां उल्टी गिनती अब शुरू है। इकबाल स्टेडियम में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गेम ऑन है। दूसरी तरफ समीउल्लाह न्याजी जो गेंद को राइट हैंडेड के लिए अंदर लाने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ मिसबाह अटैक कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मिसबाउल हक सारी खूबियों खामियों को समझते हैं, वो इन लाहौर के क्रिकेटर्स की रग रग से वाकिफ हैं। खुल नहीं खेलने देंगे रियान, बिल्कुल वो इनकी रग रग से वाकिफ हैं, इन में से ऑलमोस्ट हर एक को वो कैप्टन कर चुके हैं पाकिस्तान की टीम के लिए भी। और जैसे हम बात करते हैं कि अहमद शहजाद के लिए भी एक अच्छा मौका है इस टूर्नामेंट में अपने आप को वापस प्रूव करने का, जब बांग्लादेश में वो T20 एक खेले थे उसमें इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी। और शौकीन है लेग साइड में फ्लिक करने की समीउल्लाह न्याजी इस मैच की पहली गेंद के साथ। पर वक्त आकर मिसबाउल हक ने गेंद को रोका, रन बनाने से बाज रखा। अहमद शहजाद के साथ आज नासिर जमशेद खेलने के लिए नहीं आए, तीन सीमर्स के बाद सईद अजमल बॉलिंग करने के लिए आएंगे, इमरान खालिद मुल्क में नहीं है। ऑफ द बैक फुट अहमद शहजाद ने बड़ा शानदार शहाना चौका लगाया, गेंद की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी बाउंड्री के करीब लेकिन आहिस्ता तर नहीं। बहुत ही खूबसूरत शॉट है अहमद शहजाद की तरफ से, इस शॉट के लिए वो रिनाउंड है, थोड़ा सा पांव बॉल की तरफ नहीं लेके जाते जिसकी वजह से उनके हाथ जो है वो बॉल के थ्रू जाते हैं, आसानी से गैप निकाला और चार रन के लिए बॉल बाउंड्री के बाहर। कामरान अकमल ने इस बार हिट लगाई स्ट्रेट और फ्लैट बिल्कुल सीधी और पहला छक्का लाहौर की इनिंग्स का, तमाशाइयों में जोश खरोश और वलवले की लहर दौड़ गई। बहुत ही अच्छी शॉट, कोई इतना पेस नहीं है इस विकेट के अंदर, कोई स्विंग नहीं नजर आई इसलिए वो बड़े आराम से अपना अगली टांग क्लियर करके इसको मिड ऑन के ऊपर से मार सकते थे। अभी तक बॉलर को कोई हेल्प नहीं मिल रही इस ट्रैक से। शॉर्ट गेंद चार रन्स, कामरान अकमल खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, पहले गेंद आगे गिरी उसको उठाकर मिड ऑन के बाहर फेंक दिया, इस मरता शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप के बाहर कामरान अकमल ने दोनों हाथ चलाए बड़ी महारत से। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बॉल जो है वो आगे पड़ी, दूसरी बॉल शॉर्ट होनी थी और कामरान अकमल ने बड़े खूबसूरती से इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर कट मार दिया, पिच इतनी स्लो है कि स्क्वायर के पीछे मारने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। कट किया एक और चौका ऑफ द बैक फुट, ये टिपिकल कामरान अकमल हैं जो नजर आ रहे हैं। समीउल्लाह न्याजी बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए इन फॉर्म कामरान अकमल के सामने, पूरा उन्होंने अपनी जोन दिखाई है शॉट्स की, पहले मिड ऑन में मारा फिर इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर कट मारा फिर बिहाइंड स्क्वायर कट मारा,
اس ٹائم مصباح کے لیے کافی ورنگ سائنز ہوں گے. کافی لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے لاہور کی, اور اگر اچھا سٹارٹ ملا تو کنٹین کرنا کافی مشکل ہوگا فیصل آباد کے لیے. قدموں کا استعمال کیا, کیچ آؤٹ ہو جائیں گے, تین فیلڈر آ رہے ہیں اور کور کے فیلڈر میں جا کر اسے لیا. خرم شہزاد نے کام تمام کر دیا احمد شہزاد کا. طارق یہاں پر سوال یہ ہونا چاہیے کہ آلریڈی سور میں 15 سکور ہو چکا تھا, کیا ضرورت تھی یہ شاٹ کھیلنے کی؟ یہاں پہ تھوڑی سی گیم اویئرنیس دکھانی چاہیے تھی احمد شہزاد کو. آرام سے کھیلتے, اسٹرائک روٹیٹ کرتے, آلریڈی 15 سکور بن چکی تھی, اس شاٹ کی اس موقع پر کوئی ضرورت نہیں تھی. مڈ آف کے اوپر سے شاٹ کھیلنا چاہتے تھے, وہ احمد شہزاد کا پسندیدہ شاٹ ہے لیکن اب صحیح نیگوشیٹ نہیں کر سکے. آٹھ گیندوں میں آٹھ رن بنا کر واپس گئے ہیں شہزاد, 27-1 لاہور لائنز. اور ایک انٹرنیشنل پلیئر آؤٹ ہوا ہے اور دوسرا انٹرنیشنل پلیئر اب کریز پہ آتے ہوئے محمد حفیظ. آن دا اپ اور شاندار ناقابل یقین کیچ, فاروق شہزاد اس وقت چاند پر پہنچ گئے ہیں. محمد حفیظ کا کام تمام کر دیا اسد علی نے. حفیظ آئے حفیظ گئے, اور محمد حفیظ پچ کو ریڈ کرنے میں تھوڑی غلطی کر گئے, پچ کافی سلو تھی, بال بیٹ پہ نہیں آئی, اینڈ میں شاٹ چیک کرنی پڑی, سیدھا فیلڈر کے پاس مارنے میں کامیاب رہے. بہت ہی خوبصورت کیچ کہنا پڑے گا یہاں پر, لو ڈاؤن کافی مشکل کیچ ہوتے ہیں یہ, اور محمد حفیظ نے کوئی زحمت نہیں دی اسکوررز کو. اور اس کے ساتھ دوسری وکٹ لاہور کی پویلین میں واپس. عمر اکمل نے اپنے بڑے بھائی کو جوائن کیا ہے. دس ٹائم ہی گیٹس اٹ ڈاؤن ٹو فائن لیگ, دی فیلڈر شاٹ فائن لیگ واز اپ, عمر اکمل چارجز ڈاؤن دی وکٹ, جسٹ پلیس اٹ اینڈ ہی فائنلی گیٹس دیٹ ریلیز شاٹ ہی نیڈڈ. ہی واز آن ٹو آف جسٹ 9 بالز بیفور دس. And this could have gone anywhere actually. Yes, tried to hawk it towards a deep square leg but got the inside edge and went very quickly towards fine leg, and fine leg is in the circle, has got no chance. Kamra. This time he gets a hold of one over mid wicket for 6. Muhammad Talha being taken apart here by Umar Akmal. A typical Umar Akmal shot. And a half volley which was duly punished and punished it very well on the up, and he played it brilliantly towards long end for 6. Excellent shot by Umar Akmal. Harsh to call that a half volley, it was on a good length just outside the off stump, but that is just a glimpse of what Umar Akmal can do. Perhaps not as often enough as people would like, but he can still do that. This time plays it on the up, away from the fielder at cover. Another boundary for Umar Akmal. Not the best start for Mohammad Talha here. Yes, Talha is in problem. First 3 balls. Umar Akmal plays him behind square. The fielder, is Saeed Ajmal, is after it, but he won't get it. Boundary of the first ball. Umar Akmal is going after every single one of the bowlers now. Yes, Sadat is immediately under pressure. First ball is being cut late and played it beautifully. And a fourth one. This time he gets a hold of that between the two fielders. Gets a foot to that, just Sadakat. And a good throw back. Saves 2 runs there. But almost telegraphing the strategy here, just bowling every ball short. Sadakat to Kamran, looking for a quick single. Chance. Considering the reaction from the Faisalabad Bulls, they are very confident here. Harun Rashid in the commentary box is also very confident, and rightfully so. They've got Kamran Akmal here, and yes, wonderful piece of fielding from Faisalabad Bulls fielders. A direct hit is always very dicey, and Umar Akmal is Kamran Akmal is nowhere in the frame, you know, and it's an easy decision for the TV umpire. So a very important wicket
is being taken by Faisalabad Bulls. Kamran Akmal run out of his own call. Nasir Jamshed. Coming at number 5 here. Beautifully played by Nasir Jamshed over the fielder at cover between the two boundary riders for 4. This is a quality shot from Nasir Jamshed. Using his feet, come down to the pitch of the ball, inside out, hitting over the top. Pull kiya Umar Akmal ne, 4 runs. Samiullah Niazi ko jaldi andaza ho gaya tha ki ye gend rokna unke bas se bahar hai. Zara se bhi short gend ho to Umar Akmal boundary lagane se nahi chukte, aur kai dafa humne dekha ki out bhi hue is area mein, lekin is dafa screen pe Nasir Jamshed. इसे बोल करना चाहते थे, कॉट बिहाइंड, बड़ा अच्छा कैच अली शान का, और अंपायर ने अब आउट करा दिया. देर आए दुरुस्त, शायद सीनियर ने आउट करा दिया, खालिद महमूद सीनियर ने, और नासिर जमशेद अंगुष्ट बदिंदा है. काफी सरप्राइज है नासिर, और इस वक्त इनका जो रिएक्शन है वो इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. लेकिन दूसरी जानी फैसलाबाद की टीम काफी खुश नासिर जमशेद को आउट करने के बाद, क्योंकि विकेट दरकार थी इस वक्त फैसलाबाद वर्ल्ड्स की टीम को. अब थोड़ी मुस्कुराहट आती हुई नासिर के, ये वो मंजर जिस पे नासिर जमशेद आउट हुए, और बड़ा अच्छा कैच यहाँ पे. देखना होगा आया एल्बो से गेंद लगी है या कहीं ग्लव्स को टच किया. 10 रन बनाने के बाद पवेलियन जाते हुए अच्छा लगता. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ. अपने genius tab की तरह, I can't imagine moving around without my genius. Danny genius tab, मेरा tablet भी, mobile भी. Public पे रहना अच्छा लगता. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ. अपने जीनियस टैब की तरह, I can't imagine moving around without my genius. Danny genius tab, मेरा tablet भी, mobile भी. Public पे रहना अच्छा लगता. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ. अपने जीनियस टैब की तरह, I can't imagine moving around without my genius. Danny genius tab, मेरा tablet भी, mobile भी. Public पे रहना अच्छा लगता. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ. अपने जीनियस टैब की तरह, I can't imagine moving around without my genius. Danny genius tab, मेरा tablet भी, mobile भी. इख्तिताम किया चौके के साथ तलहा, जो कि मुसलसल शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे हैं, और इस दफा गेंद में इतना बाउंस नहीं था. बड़ा अच्छा इस गेंद को दो फील्डर्स के बीच में से खेलने में कामयाब. उमर अकमल 4 रन हासिल किए, तो उमर यहां मुसलसल प्रेशर रिलीज कर रहे हैं बाउंड्रीज लगा के, लेकिन रन आउट हो सकते हैं, और यहां पे एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेकिन थर्ड अंपायर को रेफर किया अंपायर रियाजुद्दीन ने. मुझे कहना पड़ेगा अफसोस के साथ कि साद नसीम को वापस जाना है पवेलियन में. सईद अजमल ने बड़ी होशियारी के साथ गेंद को विकेटों की तरफ दे मारा, और अब देखना यह कि उनकी कहीं उंगली से तो बेल से ही उड़ी गेंद आने से पहले उनकी उंगलियों का रुख, जो ही आउट करार दिया गया बड़ी स्क्रीन पर. इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद खुशी से गूंज उठा. साद नसीम सिर्फ 2 रन बना सके, 91 पर चार. फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, स्लो बॉल बाउंसर था, और दूसरी तरफ ये रन आउट हो जाएंगे. आज की शाम अलीशान की शाम है. विकेट कीपर अपने डेब्यू पर बड़ी आला कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है. लगता यह कि उमर अकमल रन आउट हो जाएंगे. इमामुल हक राधो बड़ी ही जहानत से रन आउट किया यहां पे, और
فریم میں بھی نہیں تھے امام الحق, تو دوسرا رن آؤٹ مسلسل, پہلے سعد نسیم اور اب امام الحق دو رن بنانے کے بعد پویلین جاتے ہوئے. مصطفی اقبال جو اپنی لیفٹ آرم سپن بالنگ کر لیے, پل کیا عمر اکمل نے اور اس بار چھ رنز ملیں گے. شارٹ آف لینتھ ڈیلیوری, عمر اکمل نے اس کی دھجیاں اڑا دی. تیار تھے پہلے سے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شارٹ بال ہوگی, اور اسی وجہ سے اگر دیکھیں فرنٹ آف دا وکٹ کھیلا ہے عمر اکمل نے. بال میں اتنا پیس اینڈ باؤنس نظر نہیں آیا کیونکہ کافی دیر سے شارٹ پچ گیند کر رہے ہیں. اتنا انرجی لیول طلحہ کا یقیناً نہیں ہوگا کہ ہر گیند ان کے کاندھے کے اوپر سے نکالیں. یارکر پھینکنا چاہتے تھے, فل ٹاس پر لیا چار رنز اور سونے پر سہاگا یہ نو بال بھی. نصف سینچری مکمل ہوئی عمر اکمل کی, انتہائی ذمہ دارانہ اور اعلیٰ پائے کی اننگز آج عمر اکمل نے کھیلی. لیکن جو فیلڈ پیسنگ لیے میزبان ہے اس کے حساب سے لیتھ بال بنتی تھی, اور تو چھکا پھر چوکا اور اب فری ہٹ ملی ہے. جس طرح کا یہ سٹرائڈ تھا محمد علا کا, اسی کے سبب یہ بیک فٹ کی نو بال کا قانون تبدیل ہوا تھا اور فرنٹ فٹ کی نو بال. بہت ہی خوبصورت منی سی بچی, اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ویمن کرکٹ میں شامل ہو. This time he manages time one and it's over the boundary for six runs. Umar Akmal showing his class, his power there. That's his favorite region to hit, especially at the death of the innings. Very good shot, a slow delivery. He read it well and played it towards that area which is he's very capable of hitting that. And look at that, the flick of the fingers, a slow delivery. Or not, he can just hit it out out of the ground for six runs. Terrific hit there by Mustafa, has been trying that almost on every delivery that he's faced so far, finally manages to connect one. Yes, he caught them unaware, I must say, because they never expected that he would hit like that, but he timed it so well, cleared the boundary. All I needed is almost, look at that slow delivery. He was in the position, freed his arm and then hit it over mid-on for a huge six. He's hit another boundary. This is very interesting. Seems Mustafa is trying his best to prove us wrong here in the commentary box. No, I think that's a very good thing because I think this time he manages to only slice that delivery, an easy catch. The batsman crossed, so Umar Akmal will be on strike there. And he wanted to play somewhere in the mid-off, mid-on region, got the outer edge and had a well-judged catch. He contributed 14 of just 15 deliveries. So the new batsman in is Imran Ali. Good shot, good shot, very good improvisation, typical T20 shot. Talk about innovation. We were just mentioning the Yorker might be the best delivery. This time a slower delivery and Umar Akmal was ready for that. The third ball was inside the circle. A very modern day cricket shot. Very innovative from Umar Akmal. This is very intelligent batting indeed. So it seems that 150 plus is on the card. Oh, that's coming straight towards the commentary box. Great shot, what a shot. Crowds are on their feet enjoying the batting of Umar Akmal. Look at that, the full swing of the bat, and it's a huge six. Although fielder tried to come underneath it to grab that one, but this time slices it, refuses a run. And this will be an easy run out. It was an easy run out, I must say. But Riyazuddin preferred to go to the third umpire. But I think it was the right decision from Umar Akmal. He wanted to
in the remaining balls to reach that 150 plus mark. Yes, he was far away from the crease. Well short of the crease, yes. Imran Ali goes without troubling the scorers. Again, good improvisation, this time on the onside. He came right outside the off stump, played it full toss and played it so fine that the short fine leg fielder couldn't reach it. And a very good shot. And that is running towards the boundary. Tala cuts it off. Two runs. A very good end to the Lahore Lions innings. They've crossed the 150 run mark. All credit goes to Umar Akmal here. At least they have a target now on the board. Because if you look at the Lahore Lions bowling, they have got very experienced bowling as well. So Faisalabad Wolves will have to play a very, very intelligent cricket to reach their target. Crowd is very happy because that happiness was provided by Umar Akmal, who played a scintillating inning. Look at the card. Not anything from the top three. 1085, 10-2, 214 and 153 for 8 of 20 overs. But except for Umar Akmal, none of the star batsmen contributed anything. So it was a sole battle from Umar Akmal as far as Lahore Lions were concerned. There you see the partnership. Partnerships, the one name that stands out is Umar Akmal. Batting, coming in at number 4 and staying till the end of the innings. And the Faisalabad Wolves require 154 runs to win in their 20 overs at just over 7.5 runs in over. Would be expecting that they need a good start in the first 6 overs where, you know, the fielding restrictions would apply. And 154, two competitive teams having good bowling side and a fielding side. Lahore Lions is full of stars. So experience in hand. So we expect a good bowling performance by the Lahore Lions. Three. Close the countdown. 3, 2, 1. One. Let's play. Game on her. Game on her. Yes. Game's on. Here's the first delivery. Looking at the strike rate of Bilal Shah, he's quite a... Ahmed! You must have been too young, Harun, in the time when I covered the first test match, which was played at the Iqbal Stadium, Faisalabad, in 1978. Cut away. First runs for the Faisalabad Wolves. Sneaky boundary. Typical T20 stuff. Slightly opening the bat. Got the gap in between slip and third man, which was very wide. Bowled him. And that is what Kamran Akmal wanted. Early breakthrough, and he got it, and that was provided by this young Mohammed Aftab. Good beginning by Lahore Lions. Yes, the home side, because Faisalabad Wolves, of course, can be referred to as the home side, losing their first wicket. Farrukh Shahzad, bowled by Aftab, lovely delivery. He scored 4, and the first wicket is on its way. The rest not really chipping in with too many. This is what Bilal Shah is meant for. That is why he was sent there through the line. He picked it up nicely over the boundary rope into the crowds. A great shot. 6 runs. Effortless. Timed to perfection.
got it right in the middle of the bat. He stroked it from his crease. He didn't even step out. There was no dancing down the wicket or anything of that sort. Inside edge, past the leg stump. Ooh, that was very close. Goes down to the boundary for four. It wasn't meant to go there. But of course, doesn't matter how they come, as long as they come. Yes, this is a normal shot for T20 cricket. And if you remember, we used to call it a Chinese cut. What happened that then a little boy came with a stick and chased the monkey away, and he went and sat on the roof of the pavilion and watched the entire match from there. This is a good shot. Ball was pitched up and the batsman made no mistake. He played through the line of the ball, it slightly up on the front foot, and off she goes, like Chishti Mujahid always described the ball, which was hit up like this. No monkey business about that one. It was an absolutely well executed lofted off drive. Lahore Lions are doing well, so Faisalabad needs to get some runs because only 2 overs are left before the power play is finished. This time he got it. Slightly short ball outside the off stump. And beautiful cut shot. And he's such a powerful man that if the ball leaves his bat, it will not stop before crossing over the boundary. Kamran Akmal bringing on the spinner, the left arm spinner in the fifth over. Required rate is 7.9, which is normally achievable. And that's a close out, and it's out. Good ball, fastest delivery, an arm ball, and the batsman played across the line. Ball hit him straight in front of the wicket, and umpire has no hesitation but to raise his finger. Yes, he was jumping up and down like Jack in the box. An umpire in the end says, all right, Bilal Shah, on your way, mate. He's out. LBW to Mustafa for 21. Working this time. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. Duniya ghuma hu, raha hu, magar dil se Pakistani hu. Apne genius tab ki tarah, I can't imagine moving around without my genius. Daddy, genius tab. Mera tablet bhi, mobile bhi. Public pe rehna acha lagta. I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. Duniya ghuma hu, raha hu, magar dil se Pakistani hu. Apne genius tab ki tarah, I can't imagine moving around without my genius. Daddy, genius tab. Mera tablet bhi, mobile bhi. Man in, 24 years old, 35 matches, 872 runs. आप एप्लीकेशन दिखाएं फील्ड में और टीम के मोराल को आप अगर उठाएं तो इससे तमाम टीम जो है वो अपलिफ्ट होती है. बैट्समैन रियाम शहजाद नहीं रोक सकेंगे, चार रन्स. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम ऑफर किया आफताब ने, और इस गलती की कीमत उन्हें चुकाना पड़ी. आसिफ अली को अगर आप दिन में 10 बार ऐसी गेंदें करेंगे तो 10 बार बाहर से उठा कर लाना पड़ेगा. अच्छा बॉल नहीं, T20 में अगर इस किस्म का बॉल बैट्समैन को मिले तो एक फ्री शॉट होती है बैट्समैन के लिए, और आसिफ अली ने बिल्कुल कोई हिचकचाहट महसूस नहीं की. एक बहुत ही शानदार स्क्वेयर कट खेल कर 4 रन हासिल किए. क्या इन्हें तमाम गेंदे करने की इजाजत है, ये आम बॉल कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आपको एक एविडेंट चेंज नजर आ रही है उनके एक्शन में, और ये कदमों का इस्तेमाल और ये कोर्ट बहन की अपील, और इस तरह ये अंपायर का फैसला फीस के फेवर में, और बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेली. निकल कर खेलना चाहते थे, एच किया, और इस तरह ये एक बहुत ही कीमती विकेट हासिल की. कामरान अकमल ने बहुत उमदा कैच किया, और हफीज ने एक बेहतरीन
بریک تھرو حاصل کیا لاہور لائنز کی طرف سے. یہی محمد حفیظ کی شناخت ہے. خرم شہزاد 7 رنز بنا سکے. دو رنز حاصل کیے. اسے بول کیا سیدھا مڈ وکٹ کے ہاتھوں میں. اچھا کیچ. آج دونوں ٹیموں کے فیلڈرز کھیل میں ہم وقت رہے ہیں. یہ کیچ بوجھیا کس نے لیا؟ ناصر جمشید. بالکل طارق آپ نے صحیح کہا. کچھ کھلاڑی اگر ایسا کیچ حاصل کر لیں آؤٹ فیلڈ میں تو ٹیم کا مورال کتنا اونچا چلا جاتا ہے. اور ایک بہت ہی اچھی انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا اور دونوں ہاتھوں سے بال کو سنبھالے رکھا اور اس طرح ایک قیمتی وکٹ حاصل کی آصف علی کی. ٹی ٹوینٹی وہ فارمیٹ تھا جس نے ان کے کیریئر کو ایک نئی زندگی دی تھی, ایک نیا دوام بھی. اور اسے اٹھایا وائڈ لانگ آن کی جانب, مس بغیر. عمر اکمل پھولے نہیں سما رہے خوشی سے. اور محمد حفیظ بھی, حفیظ لوئر ٹریجیکٹری میں گیند کرتے ہیں اور انہیں آسانی کے ساتھ آپ ہوا میں ہٹ نہیں مار سکتے. پریشر جو تھا وہ ماؤنٹ کر رہا تھا, بڑھ رہا تھا اور بڑی ہٹ کے لیے جانا تھا مصباح کو. انہوں نے شاٹ کھیلی مگر ٹائم نہیں کر سکے پراپرلی. ایلیویشن نہیں تھا اس میں, اتنی طاقت نہیں تھی. اور ایک بہت ہی عمدہ کیچ لے کر عمر اکمل نے ایک بڑی اہم کامیابی جو ستون ہے فیصلہ باد ولز کا اس کو گرایا. جی ہاں, مصباح الحق کا آؤٹ ہونا ایک بڑا صدمہ ہے یہاں فیصلہ باد میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے. صداقت علی ان کا بلا کا پات جو تھا وہ بالکل کلوز ہو گیا جس کی وجہ سے ایلیویشن نہیں پراپرلی وہ لے سکے. یہ ایلیویشن پانے کے لیے آپ کو کئی بار آپ کو گیند سے تھوڑا اگر آپ دور ہوں تو آپ زیادہ ایلیویشن پا سکتے ہیں. زیادہ قریب آ گئے تھے. فلیش یا سیدھا کیچ, آسانی سے اسے پکڑ لیا امام الحق. وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. لاہور کے فیلڈرز کی یہ کارکردگی دیکھ کر کوچ محسن کمال بہت خوش ہوں گے. ایک اور بریک تھرو حاصل کیا عمران علی نے. ان سائڈ آؤٹ کھیلنا چاہتے تھے بال کو ایکسٹرا کور کے اوپر سے مگر ڈیپ کور پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں. اور امام الحق نے ایک آسان کیچ لے کر ایک اور کامیابی دلوائی لاہور لائنز کو. اب بہت ہی مشکلات کا شکار صداقت علی, کوٹ امام, بولڈ عمران علی. محمد الہام اب بیٹنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور ان کا اسٹرائک ریٹ کافی دلچسپ ہے, 148 اب تک اس ٹورنامنٹ میں. This time a lovely hit over covers for 6 runs. A delightful shot here from Ali. Has had a pretty good day today behind the stumps as well. And now showing his class with the bat. Tossed up in the slot. Good delivery. Almost a yorker. And that should be a run out. Might be referred, but that looked very much like a run out. In fact, he's on his way. He's given himself out. Yeah, poor running there from Talha. Ali Shah called him early, but he did not respond. The Lahore fielding has been exceptional today. Not even in the frame there. Not even in the frame. Things keep getting worse from bat here for Faisalabad. Good throw by Ahmed Shahzad. It was absolutely on target. As we were saying, not even in the frame. It's Syed Ajmal going to come out and bat. So Syed Ajmal showing the batsman back in the pavilion how to do it. Brilliantly swept away for 4 runs.
and there's a smile on his face. Always enjoys his batting. It's a good shot by Syed Ajmal. Lahore Lions, I'm sure Lahore Lions. I don't know why. Why did they choose all this? Not a bad homework, is it? Syed Ajmal's stay at the crease comes to an end. Coming back to the names of the teams, I think you'll find these animals in zoos. Is there a zoo in Faisalabad where they have wolves? Unlikely. Well, that Syed Ajmal's brief innings comes to an end. Takes his batting very seriously, by the way. Well taken there. Syed Ajmal out. Court Ali Bolsad for 7. I think to research on why the teams are called Wolves and Lions, have to look into the psychology behind it. Bahut hi zordar shot aur middle of the bat, mid on or mid wicket ki janib, aur ye umpire Khalid ki janib se ishara 6 runs ka. To Ali Shah jo hai wo himmat nahi aa rahe hain aur is waqt unhe shayad ye ummeed hai ki wo kuch kar sakte hain. जी बिल्कुल, अली शाह जिनको मोहम्मद सलमान की जगह पे विकेट कीपर के तौर पे इस टीम में लाया गया है, जिस तरह उन्होंने ये इनिंग्स खेली है उससे तो बाकी फैसलाबाद के जो बैट्समैन थे उनकी यही सोच होगी कि शायद हमें थोड़ी देर और खेल लेना चाहिए था. इस वक्त एजाज चीमा ने रन आउट की अपील की है और असद अली पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए, काफी आसान डिसीजन अंपायर के लिए. क्या बार बार रन आउट होते जा रहे हैं. आज हसन बात किया कि सारे निशाने सही लग रहे हैं, शायद ये लाहौर को फैसलाबाद के खिलाफ ही करना होता. नहीं, फैसलाबाद की अगर आप देखें, उन्होंने भी रन आउट किए आज, और ये असद अली 2 रन बनाने के बाद बड़े मायूस कर अंदाज में वापस आते हुए 94 पे 9 वोल्स. काफी हद तक एंटी क्लाइमेटिक ये मैच हो चुका है. पहले 25 से 30 ओवर इस मैच के जो थे, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, क्राउड भरपूर जोश और वलवले में था, और अब जो दिखाई दे रहा है वो उसमें भी टेल एंडर्स का ही कसूर है. उन्होंने बैटिंग जो सीख ली. अटेम्प्टेड यॉर्कर, लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया, सिर्फ 1 रन होगा. फैसलाबाद वुल्व्स 100 स्कोर कर पाए लेकिन 9 विकेटें खो चुके हैं, सिर्फ 2 ओवर्स का खेल बाकी. ये थोड़ा सा इनोवेटिव शॉट था समीला न्याजी का, सिर्फ 1 रन ले पाएंगे. दूसरे के लिए वापस आए, रन आउट का एक और चांस होगा, मिस कर दिया, सिर्फ 2 रन लेने में कामयाब है. जो पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप 2010 से पहले का पाकिस्तान का नेशनल टीम का भी T20 रिकॉर्ड देखें और उसके बाद भी देखें तो काफी वाजे फर्क दिखाई देता है कि जिस तरह पाकिस्तान के पास जो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, हमारे प्लेयर्स को ज्यादा आदत थी खेलने की. ये जो चांस था अहमद शहजाद का, कैच किया बल्कि कभी भी उनके हाथ में गेंद नहीं आई, वो रोप्स पे उनके शायद ध्यान था. अभी तक शायद वाहिद कैच ड्रॉप हमने इस मैच में देखा. इस मैच में कदरे बेहतर फील्डिंग देखने को मिली है बाकी टूर्नामेंट के मुकाबले में. लेकिन जैसे मैं पहले बात कर रहा था, 2010 से पहले जो पाकिस्तान के पास जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी थ्रू आउट हर टूर्नामेंट में. इन द मीनवाइल समीला न्याजी का एक और चौका, आखिरी कुछ लम्हात हैं इस मैच के. फैसलाबाद मैच हार चुका हुआ है तकरीबन, लेकिन 2010 के बाद से IPL, बिग बैश लीग और इन टूर्नामेंट्स के बाद जितना इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से इक्वल आई और पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, हमें यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में और इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा है कि उस तर्ज की बैटिंग नहीं दिखाई दी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल लीग्स में दिखाई देती है. ये बड़ा डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे भी कि वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह जो वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है उसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं. और इस तरह स्लो वन एजाज चीमा की और इनिंग का इख्तिताम फैसलाबाद वुल्स का, और बहुत बड़े मार्जिन से T20 क्रिकेट के हिसाब से फतेहयाब यहां पे लाहौर लायंस की टीम. कामन अकमल जो कि लाहौर लायंस के कैप्टन है, बड़े मुतमईन. अब्दुल रहमान जैसे प्लेयर्स के जाने के बाद से उतनी अच्छी नहीं रही. ये फैसलाबाद वुल्स का स्कोर कार्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, अली शान नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए, बिलाल शाह
टॉप पे बैटिंग करते 21 किया, उनके अलावा किसी प्लेयर ने डबल फिगर्स में भी नहीं पहुंच पाए। समीउल्लाह नियाज़ी बल्कि डबल फिगर्स में पहुंच पाए और इस वक्त उनके पास ब्रैगिंग राइट्स होंगे ड्रेसिंग रूम में। और कभी भी कोई पार्टनरशिप नहीं लगी गुलाम अली, लेकिन पार्टनरशिप की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी पार्टनरशिप नहीं। और एजाज सीमा जो उन्होंने विकेट हासिल की थी पहले, उसके अलावा आफ्ताब वो भी एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, मुस्तफ़ा इकबाल एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, और मोहम्मद हफीज़ दो, और इमरान अली भी दो, और साद नसीम एक, लेकिन सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल रहे उनके बॉलर्स। ये फाइनल समरी मैच की लाहौर लाइन से पहले बैटिंग की उमर अकमल की 85 की बदौलत 153 करने में कामयाब हुए, आधे से ज़्यादा रन उमर अकमल ने किए फैसलाबाद की तरफ से। फैसलाबाद के स्पिनर्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे, समीउल्लाह नियाज़ी ने दो विकेटें लिया, असद अली ने एक और मोहम्मद तलहा ने एक। जवाब में फैसलाबाद बुल्स, जैसे कि हमने कहा समीउल्लाह नियाज़ी नंबर 11 पर बैटिंग करते, सिर्फ तीन खिलाड़ी थे जो डबल फिगर्स में पहुँच सके, समीउल्लाह नियाज़ी उनमें से एक थे। और मोहम्मद हफीज़ का वो स्पेल था 4 ओवर्स में 13 रन देकर 2 विकेटें लेना, जिसने मैच पलट दिया। मिसबाह उल हक की बड़ी विकेट भी उन्होंने ली, और उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया कि फैसलाबाद बुल्स इस मैच में होंगे। लाहौर लायंस 45 रन से ये मैच जीत गए। बड़े बड़े सितारों से आज फैसलाबाद की मांग भरी गई, लेकिन आज जिस खिलाड़ी ने सबके दिल जीते वो कोई और नहीं उमर अकमल हैं। उमर अकमल से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वसूल करें मोहम्मद शाहरुख खान नियाज़ी से।